दोस्तों पैसे हर किसी को चाहिए और आज पैसे के बिना जिंदगी जीना असंभव है, क्योंकि आज हर चीज पैसों से ही मिलता है। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि पैसे है तो इंसान है, नहीं तो पैसों के बिना इंसान भी नहीं है। आज लोग पैसों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, यहाँ तक कि पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। और पैसे को हम नोट और सिक्कों के रूप में जानते हैं, जो कि धन का नकदी रूप होता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इस नोट का शुरुआत कब से हुआ था और किसने किया था, और साथ ही साथ सबसे पहला नोट कैसा था? अगर आपको नहीं पता तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे पहला नोट 1691 में यूरोप में छपा था और इसे स्वीडन के बैंक ने पहली बार कागजी मुद्रा जारी किया था। और इसके बाद से ही दुनिया में कागज के नोट प्रचलन में आए थे। हालांकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि स्वीडन से पहले चीन के राजाओं ने 6वीं, 9वीं और 11वीं शताब्दी में कागज के बिल जारी किए थे, पर वे आम लोग के बीच चलन में नहीं आए थे। पर पुख्ता सबूत यही है कि नोट का शुरुआत सबसे पहले यूरोप के स्वीडन से ही हुआ था। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भी करेंसी का इतिहास 2500 साल पुराना है। लेकिन भारत में कागज का पहला नोट 1862 में अंग्रेजों ने जारी किया था। और जैसे आज के समय के नोटों में महात्मा गांधी की तस्वीर होता है, वैसे ही अंग्रेजों द्वारा जारी किया हुआ नोट में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की तस्वीर छपे थे। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था और उसे भारत सरकार के नोटों को जारी करने का अधिकार दिया गया। रिजर्व बैंक ने सबसे पहले 5 रुपए की नोट छापे थे, जिस पर किंग जॉर्ज VI की तस्वीर थी, और यह नोट 1938 में छापा गया था। तो दोस्तों आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि दुनिया का सबसे पहला नोट कब और कहां छापा गया था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।